कुर्बानी करना ईद मनाना, खूब खुशी के नगमे गाना, पर गम के मारे जो हैं बेचारे उनको तुम भूल न जाना। अस्सलाम वालेकुम, मैं सिंध और पाकिस्तान की बेटी उमेर बाप। आज मैं लाइव आने का मेरा मकसद फरियाल कालपुर साहिबा जो रात चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि वो किसी की माँ बहन बेटी और उनको मुस्लिम होना याद आ रहा था। तो आज ईद का दिन था और सब जानते हैं कि मेरे घर में जो वाकया हुआ था 17 जनवरी 2018 में, जिसमें मेरे वालिद साहब, मेरे दादा और मेरे चाचू का मर्डर हुआ था, और जो पीपल्स पार्टी के दो सिटिंग MPs सरदार खान चांडियो और बुरहान चांडियो ने करवाया था। आज ईद का दिन था और आप सब समझ सकते हैं कि जो हमने ईद गुजारी होगी घर में, अगर वालिद ना हो, दादा ना हो, चाचू ना हो, कोई बड़ा ना हो, तो जो ईद होती है आप सब समझ सकते हैं कि अल्लाह सब बेहतर करने वाला है। और उम्मीद है कि हमें इंसाफ जरूर मिलेगा और हमारा हक है, इंसाफ हम लेके रहेंगे। बाकी फरियाल दादपुर साहिबा जो औरत प्ले कार्ड लेकर कह रही थी कि वो औरत है, वो किसी की बहन बेटी माँ है, तो फरियाल कालपुर साहबा हम भी किसी की बहन है, हम भी किसी की बेटियां हैं, हम भी किसी की इज्जत है। आपकी पार्टी वही पार्टी है जिसने इलेक्शन में, ड्यूरिंग इलेक्शन मैं चीख रही थी, मैं चिल्ला रही थी, आपने तो मेरी एक भी नहीं सुनी, आपने मुझसे पूछा भी नहीं आज तक। हम तो आपकी पार्टी से बिलोंग करते थे, हम आपके वोटर्स थे, मेरे दादा यूसी चेयरमैन थे, मेरे चाचू यूनियन काउंसिल मेंबर थे आपकी पार्टी में, आपने तो आज तक हमसे पूछा नहीं। आप कातलों की सरपरस्ती कर रहे हैं, दो सिटिंग MPs जो आपकी पार्टी में बैठे हुए हैं, हमारी पूरी फैमिली उन्होंने तबाह खत्म बर्बाद कर दी, आपने उनको बिठाया हुआ है पर आज तक आपने मुझसे पूछा नहीं। आपको सिंध की जो बेटियां हैं, बहनें हैं, उनका रोना नजर नहीं आता, पर जब आप भी खुद पे आती है ना तो आपको नजर आता है कि बहन बेटी और माँ क्या चीज होती है। तो फरियाल कालपुर साहिबा कुदरत का एक अमल होता है, मकाफत अमल, जिसपे मैं बड़ा यकीन रखती हूँ कि आप जिसके साथ जैसा करोगे वैसा ही पाओगे, एज यू सो सोशल रीप। तो आपने जैसा किया आपके साथ होगा, क्योंकि अगर आप अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। सिंध की जो माएं बहनें बेटियां जो हमारे साथ तजलील की जाती है, हम रोड पे आकर इंसाफ मांगते हैं, हम दुआएं देते हैं, पर आप में से कोई भी नहीं सुनता, और सिंध हुकूमत कातलों की सरपरस्ती करके कातलों को सपोर्ट करती है। उसका सबूत दो दिन पहले CM साहब ने जो नोटिस निकाला है कि उमेर बाप की जो प्रॉपर्टी है वो उमेर बाप कहां से लाई है उसने, और सुप्रीम कोर्ट तक वो कहां से खर्चे कर रही है। तो CM साहब आप किसी भी चीज की इंक्वायरी कर सकते हैं, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हर चीज का कोई ना कोई टाइम होता है। मैं समझती हूँ आपके पास पावर्स हैं, आप किसी भी चीज की इंक्वायरी कर सकते हैं, उससे हमें कोई तकलीफ नहीं है, पर दो सालों में अगर आपने कोई नोटिस लिया भी तो इस चीज का कि मेरे बाप के पास ये जायदाद कहां से आएगी। तो CM साहब लगता है माजरत के साथ, आपके घर में आपकी औलाद नहीं है, अगर आपकी औलाद होती तो आप समझ सकते कि मेरा दर्द क्या है, आप मुझको सपोर्ट करते, आप मुझे हक और इंसाफ दिलाते, पर वो नहीं करेंगे। आप तो का जो कातिल है उनकी सरपरस्ती करेंगे, आप तो अपनी पार्टी को बचाएंगे। और सिंध की जो माएं बहनें बेटियां, मुझे अफसोस है कि मैं पढ़ी लिखी हूं, मैं लॉ की स्टूडेंट हूं, मैं अपना हक लेना जानती हूं, मेरे साथ ऐसे हो रहा है तो दूसरों के साथ क्या होगा। तो मैं लास्ट में बिलावल जरदारी के लिए मैसेज दूंगी। बिलावल जरदारी ने उस दिन कहा था मरियम नवाज की जो अरेस्टिंग पे, वो पता नहीं क्या से क्या बात कर रहा था, मैं अब्यूजिंग लैंग्वेज जो है वो यूज नहीं करूंगी। बिलावल जरदारी को बड़ी गैरत आ रही थी, तो बिलावल जरदारी हम भी किसी की माएं बहनें बेटियां हैं, आपकी पार्टी जो कर रही है हम लोगों के साथ, तो वो सबको पता है सिंध में जो माएं बहनें बेटियां, खुदा रहा उनकी तजलील करना छोड़ दे, और क्योंकि हम जो है अपना हक और इंसाफ लेना जानते हैं, और इंशाल्लाह हम हक और इंसाफ लेके रहेंगे। बाकी फरियाल कालपुर साहिबा ये आप जो चीखे मार रही है, मैं सिंध की जो आवाम है उनको अपील करती हूँ, खुदा रहा इन लोगों को पहचानने में देर ना करें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो ये मैसेज देते हैं, चोर को कहते हैं कि आप घर में जाकर चोरी करें, और घर वालों को कहते हैं कि आप चोर जो है वो आ रहा है। तो हक और सच का साथ दें, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सिंध और पाकिस्तान की जो गैरतमंद आवाम है वो मेरा साथ दे रही है, और मैं इंसाफ लेके रहूंगी। शुक्रिया।